हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 52 जिलों की सीरीज में आज का जिला है हमारा शाजापुर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स शाजापुर, ठीक है ना। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है शाजापुर, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए, तो इसमें हम परीक्षा पे फॉर्मेट पर देखेंगे। मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपको एक नए संशोधन के साथ हम आपको शाजापुर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ आपने अन्य वीडियो नहीं देखी है जिले की, तो जाकर नालंदा एकेडमी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं शाजापुर के बारे में। सबसे पहले इसका भौगोलिक परिदृश्य, जैसे कि सभी जिलों में हम देखते हैं, तो यह फ्रेंड्स उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि आप इधर चित्र में देख सकते हैं शाजापुर को फ्रेंड्स, ठीक है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है शाजापुर, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी अगर सीमाएं हम बात करें तो इसकी सीमाएं उत्तर में देखेंगे तो राजगढ़ और आगरमालवा लगती है, जो कि इसी से अलग हुआ था 2013 में। इसके बारे में हम चर्चा अलग करेंगे जब आगरमालवा को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखोगे। इसके साथ साथ दक्षिण में अगर इसकी सीमा की बात करें तो सीहोर जिला और देवास जिले की सीमा लगती है, और पूर्व में इसकी सीमा आप देख रहे हैं जैसे कि सीहोर जिला ही इसको कवर करे हुए है इस तरीके से, ठीक है। और पश्चिम में इसकी सीमा उज्जैन जिले से लगती है। इस प्रकार से यह सीमा बनाता है सभी जिलों के साथ साथ। चलिए, तो और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी तहसीलों के बारे में, कि शाजापुर की तहसीलों के बारे में सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। जैसे कि एक तो हो गया है यहाँ पर, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मैं इधर नाम लेता जाऊंगा और इधर आप चित्र में देखते जाएंगे, शाजापुर, मोहन, बड़ौदिया, ठीक है, ये एक ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहन बड़ौदिया, मोहन बड़ौदिया कहा गया है, सुजालपुर, काला पीपल, अवंतीपुर, बड़ौदिया, पोलायकलां और गुलाना, ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखोगे यहाँ से। अब इसमें प्रमुख प्रमुख तहसीलों को आप देख लोगे, जैसे कि काला पीपल हो गया, सुजालपुर हो गया, गुलाना हो गया, साजापुर हो गया, मोमन बड़ौदी हो गया, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सामान्य परिदृश्य अगर हम बात करें साजापुर के बारे में, जैसे कि मैप में आप देख रहे हो साजापुर इस क्षेत्र में के अंतर्गत आता है पूरे मध्य प्रदेश में। यह साजापुर का नाम साजापुर क्यों पड़ा? तो आप याद रखोगे साजा के नाम पर, याद रखोगे साजा के नाम पर इसका नाम शाहजहांपुर पड़ा, ठीक है ना। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस क्षेत्र में क्या किया, विजिट किया, और इस क्षेत्र से आकर्षित होकर यहाँ की सुंदरता को देखते हुए सारे की सारे शहर क्या नाम दे दिया गया, शाहजहांपुर, या इस क्षेत्र को शाहजहांपुर के नाम से जाना गया। पूर्व में इसका नाम याद रखोगे खांडली खेड़ा था फ्रेंड्स, क्या नाम था इसका पूर्व में? नाम खांडली खेड़ा शाहजहांपुर, यानी अति प्राचीन नाम अगर हम बात कर लें इसकी, तो खांडली खेड़ा के नाम से ये जाना जाता था, बाद में शाहजहांपुर के नाम से जाना जाने लगा। चलिए कुछ और देखते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य में, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि सबसे पहले तो जो शाजापुर का किला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाजापुर का जो किला है वो चिलर नदी के तट पर स्थित है, याद रखोगे, ठीक है ना, किस नदी के तट पर? चिलर नदी के तट पर स्थित है। अब चिलर नदी के साथ साथ यहाँ पर इसे पार्वती नदी भी आप याद रखोगे, ठीक है ना, सहायक नदी, ठीक है, पार्वती नदी भी आप याद रखोगे कि जो मुख्य अपवाह तंत्र है शाजापुर में वो पार्वती नदी का अपवाह तंत्र है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा एक आता है म्याना गांव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है म्याना गांव, जो कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की क्या है, जन्मभूमि है। और ये क्या, कौन है ये एक साहित्यकार है फ्रेंड्स, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा जी नवीन जी कौन है? एक साहित्यकार है जो म्याना गांव से संबंधित है, और म्याना गांव कहाँ पर है? शाजापुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक स्थान आता है सिरोलिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरोलिया क्यों प्रसिद्ध है? तो सिरोलिया से याद रखोगे यहाँ पर प्राचीन जानेश्वर का मंदिर है, प्राचीन जानेश्वर का मंदिर है, जिसे शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर सारे के सारे मंदिर शिव मंदिर ही मिलेंगे हमको यहाँ पर। सिरोलिया किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव जानेश्वर मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है।
एक स्थान आता है डांसी। डांसी कहाँ पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है ये कि डांसी कहाँ पर है, तो शाजापुर के अंतर्गत आता है। यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे हमने ऊपर देखा बाल कृष्ण शर्मा जी की क्या है यहाँ पर, ठीक है, जन्म स्थली है, ये चर्चा पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ पे याद रखोगे। और कौन सा शहर आता है? म्याना गांव। म्याना अगर नहीं आए तो शाजापुर तो डेफिनेटली उसमें होगा ही फ्रेंड्स, ठीक है। सांस्कृतिक परिदृश्य में इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि सिरोली हो गया, डांसी हो गया, ठीक है, एक मंदिर और आता है गिरेशवा, ये भी स्थान का ही नाम है शाजापुर में, गिरेशवा, ठीक है। ये गिरेश्वर मंदिर में हमको दो मंदिर देखने को, एक गिरेश्वर क्षेत्र में दो मंदिर देखने को मिलते हैं। एक तो गिरेश्वर शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए, यानी कि आ जाएगी गिरेश्वर क्यों, शिव मंदिर है गिरेश्वर मंदिर, ठीक है ना। एक रूपेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, रूपेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ साथ में ओमकारेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी औद्योगिक दृष्टिकोण की। औद्योगिक दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें एक नाम आता है हमारा कौन सा, मक्षी। मक्षी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शाजापुर में ही स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, मक्षी औद्योगिक विकास केंद्र शाजापुर में। इसके अलावा काला पीपल, काला पीपल किसके लिए? सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए या सोया इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ में यह एक अनाज मंडी भी है, साथ साथ में एक अनाज मंडी भी है। सुजालपुर प्रसिद्ध अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है, और शाजापुर याद रखोगे सोना और नमकीन उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं शाजापुर से। इसके अलावा शाजापुर से कोई भी प्रश्न एक्स्ट्रा बनता नहीं है, ठीक है ना। जब से शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ है, तो क्या प्रश्नों का स्वरूप भी यहाँ से बट गया है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आधे हिस्सा देखते हैं हम शाजापुर में और आधा हिस्सा देखते हैं आगर मालवा में। तो इस तरीके से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद हम आगर मालवा की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, तो उसको भी देख कर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और नालंदा एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स।